तो किसने धर्म और जाति और मजहब में बताओ हम लोगों किसने बांटा? ये उन सियासतदार उन लोगों ने बांटा जो चाहते हैं कि गरीब कभी सशक्त हो ही ना पाए, बहुजन समाज के लोग कभी इकट्ठा हो ही ना पाए और इस देश से जातिवाद खत्म होकर भाईचारा बन ही ना पाए। शहीद आजम उधम सिंह के बच्चे हैं, हम शहीद आजम सरदार करतार सिंह सराभा के बच्चे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम सरदार पटेल के बच्चे हैं। हम इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं लेकिन अपने हक अधिकार छीनने नहीं देंगे। सरकार को सरकार सुन ले। मैंने कमिश्नर साहब से कहा था कि बात करो गृह मंत्री क्या कहते हैं, वो नौजवानों को उनका हक देना चाहते नहीं देना चाहते, वरना फिर हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हमारी लड़ाई पुलिस फोर्स से दोबारा बता रहा हूं नहीं, प्रशासन के लोग लाठियां खूब बजाएं, लेकिन आज आर या पार आज फैसला होकर रहेगा कि नौजवानों को जिंदाबाद। जब आजादी मिली तो क्या एक धर्म एक जाति के लोगों ने लड़ाई लड़ी? ईमानदार से बताओ। और अगर जानना होना इतिहास तो जाना वहां इंडिया गेट पे, नाम पढ़ना शहीद शहादत देने वाले लोगों के, और अगर मन करे तो जाना बुलंदशहर। 100 से ज्यादा पूजे समाज के लोगों ने विजय कुमार पटेल जी के नेतृत्व में फांसी की सजा कबूल की। ये देश शामली से लेकर दिल्ली तक हर पेड़ से मुसलमान अंग्रेजों ने लड़का, इस देश की लड़ाई को लड़ने के लिए वो अपनी घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हमें बांटा किसने धर्म और जाति और मजहब में बताओ हम लोगों किसने बांटा? ये उन सियासतदार उन लोगों ने बांटा जो चाहते हैं कि गरीब कभी सशक्त हो ही ना पाए, बहुजन समाज के लोग कभी इकट्ठा हो ही ना पाए और इस देश से जातिवाद खत्म होकर भाईचारा बन ही ना पाए। जितने लोग यहां बैठे हैं क्या जाति में बच के बैठे हो या एससीडीटी के बच्चे बन के बैठे हो बताओ? जब जब तुम अधिकारों के लिए एक हो जाओगे उस दिन ये धरती जो है ना कांप जाएगी, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। जब जब बढ़ जाओगे तब तक सियासतदार लोग कामयाब हो जाएंगे, तुम लोग फेल हो जाओगे। बताओ 7 साल में कितने रोजगार मिले इस देश में? सच ये है पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आ जाए पेपर नहीं आता, जब पेपर की डेट आए तो पेपर में देने के बाद पता लगे थोड़ी देर में कि पेपर लीक हो गया। जो लोग पेपर की रक्षा नहीं कर सकते देश की रक्षा करेंगे? इतना बढ़िया इतिहास है, शिक्षा मंत्री पूछो 9वीं फेल, गृह मंत्री पूछो कड़ी बार, प्रधानमंत्री पूछो एक डिग्री नहीं है, पूछो डिग्री क्या है? तो मैं प्रधानमंत्री पूछो कि आरटीआई में तो आरटीआई का कानून ही बदल दिया। पूछो तुम्हारे साथ का कोई स्टूडेंट रहा हो जब तुम पढ़ रहे थे? नहीं, जहां से बताया कि मैं चाय बेचता था वो स्टेशन ही नहीं बना था तब तक। कमाल की थ्योरी है, झूठ पे झूठ। बस एक बात कहते हैं कि हिंदू खतरे में, लोग सतर्क हो जाते हैं हिंदू खतरे में। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कितने लोग खतरे में? नौजवान खतरे में यार, नौजवान खतरे में, देश खतरे में।